जयहिंद सर। अरे जयहिंद बोस, किधर है सर? कह रहा हूँ आदि किधर है? आदि सर का पता नहीं है सर, वो तो सबरे से हेडक्वार्टर में दिखे ही नहीं है। हेडक्वार्टर भी नहीं आया, घर पे भी नहीं है, तो कहाँ चला गया? खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? हेलो हेलो बैलोंगे उठाते तेरे को डिस्को दिखाते। नहीं ऐसा डिस्को मुझे नहीं देखना है। तेरा दोस्त आदि मेरा पास है। अच्छा फिर तो ये बहुत अच्छी बात है यार। एक काम करो जरा, दो तीन दिन उसे और अपने पास रखो ना, ताकि मैं अपने बेड पे आराम से फैल के सो सकूं। थैंक यू भाई, थैंक यू, चलो टेक केयर, बाय। हेलो हेलो, हाँ तेरा दोस्त मेरे पास है। हेलो 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 साला, जीजा जी इंस्पेक्टर क्या बोला? थैंक यू बोला। वो बेड पे अकेला पहल के सोने को मिलेगा बोल के थैंक यू बोला। ये इंस्पेक्टर बोलेगा तो एकदम जाड़ा मले के नारियल। इसलिए मेरा बात समझा नहीं। ओ अभी मैं फोन करके उसको हिंदी में समझाता। हेलो हेलो, तेरा दोस्त मेरे पास आए। अरे यार तो एक बार मैं बात समझ गया ना, मैं बार बार मुझे फोन करके सेम बात क्या बता रहे हो? मैं उसका पापा हूँ क्या जो मुझसे परमिशन ले रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अब वो परमिशन नहीं लेती, अब मैं इनफॉरमेशन देती। अब ये लुंगी उठाते तेरे को सच सच बताते, हम तेरा दोस्त आदि को गिरफ्तार किया। क्या 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 जो बोला जरा एक बार फिर से बोलना। हम सच बताते और तुम हमको हंस के दिखाते। तो क्या करूं, मेंढक अगर कहेगा मैंने शाम को किडनैप किया तो हंसी तो आएगी ना। भाई तुम आदि को जानते नहीं हो, वो सिर्फ नाम का आदि नहीं, क्रिमिनल्स को फोड़ने का भी आदि है। लेकिन तुम कॉमेडी अच्छी कर लेते हो, जाके सब टीवी पे ऑडिशन दो। आए बड़े आदि को किडनैप किया है, चल आज। ये तो मेरा ही फोन है भाई। काटा अन्ना का फोन काटा, मैं इसको काटेगी। ना 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 ना, होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट, बहुत अच्छा फोन बना है। ये क्या रे तू, ये पोज कैसे लगा? बहुत तेज लगा अन्ना। उधर बैठने का, अभी हम फोन लगाते इसको डिस्को दिखाते। अरे यार इतनी सारी पेंडिंग फाइल्स, कितना काम है। हेलो, तू मेरा फोन काटने का हिम्मत कैसे किया रही? ऐसे हेलो हेलो, देखिए यार मैं आखिरी बार तेरा फोन उठा रहा हूँ। एक बार और अगर तूने मुझे फोन किया ना तो मैं पुलिस में चला जाऊंगा। अभी फोन काटने का हिम्मत नहीं करने का, वरना हम लुंगी उठाते और पूरा पुलिस स्टेशन को चलाते। अबे तू है कौन, तू बात बात में लुंगी क्या उठाता है? तेरे लुंगी के अंदर कीड़ा घुस गया है क्या? ए जाड़ा मला के नारियल, कीड़ा थारा दिमाग के अंदर है, तुझे तेरे को क्या लगता? मैं लुंगी उठाते और जोक सुनाते, मेरा बात ध्यान से सुन, हेरा दोस्त आदि कंट्रोल में आए। और तू मेरी बात ध्यान से सुन, आदि आज तक अपने बाप के कंट्रोल में नहीं आया, तेरे कंट्रोल में कहां से आएगा? मैं लूंगे उठाते तेरे को बराबर समझाते, तू तेरा पुलिस का गाड़ी के पास जा रहे। मैं बाहर जाके पुलिस की गाड़ी क्यों देखूं? पुलिस की गाड़ी बहुत दूर है, जो समझाना इधर समझा। अयो मैं तेरे को रिक्वेस्ट करते रहे, हाथ जोड़ते तो तेरा पुलिस का गाड़ी के पास जाना प्लीज। हाथ जोड़ता है तो चला जाता हूं, क्योंकि मानव ए देसाई मार से नहीं प्यार से सुनता है। चल फोन रख। इसको लेकर अंदर जाने का, इसको चेयर पे बिठा के ऐसा रस्सी से बांध के रखने का। ओके ओके जी जी जी, चलो चलो पकड़ो इसको पकड़ो। गाड़ी में क्या है? ठीक है बैग, तो आदि के कपड़े जो उसने कल रात पहने थे। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है?
हेलो ए तू कपड़ा देखा कुछ समझा समझा कल मैंने आदि की टी शर्ट से गाड़ी साफ की थी इसलिए आज बदला लेने के लिए वो चाहता है कि उसके कपड़े मैं धोऊं लेकिन कह दे उस आदि से मैं उसके कपड़े धोने वाला नहीं हूं तेरे जैसा जाड़ा मलेगा नारियल में आज तक नहीं देख रे मैं तेरे को कपड़ा भेजा वो धोने के लिए नहीं रे यकीन दिलाने के लिए तू कपड़ा देखा कपड़े पे खून का दाग देखा देख तेरे को सब समझ में आ जाएगी मतलब आदि सचमुच तुम्हारे पास है तेरे को अभी भी यकीन नहीं होती रुक मैं अभी तेरा आदि का छोटा 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 टुकड़ा करके तेरे पास बेचती नहीं 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 ऐसा मत कीजिए मुझे मुझे यकीन है लेकिन एक बात तो बताइए कि आपने आदि को किडनैप किया क्यों है मतलब आप चाहते क्या हैं हो कौन आप ये नाराज किला मेरे को पूछता है मैं कौन मैं लुंगी गैंग का बॉस लुंगी का अरे जाड़ा मलाई का नारियल मेरा बात ध्यान से सुन अगर तू किसी को बोला मैं आदि का किडनैप किया बोल के आदि का लाश तेरा घर का अंदर समझा नहीं हाँ लुंगी जी कान जी मैं नहीं नहीं बताऊंगा हेलो 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 अरे कम से कम इतना तो बता देते कि चाहते क्या है आदि आदि जी जाजी आपने उनको क्यों नहीं बोला आप क्या चाहते हो ये नाराज किला वो मेरा फोन कट करके मेरे को तड़पती अभी मैं उसका फोन कट करके उसको तड़पती ये नाराज किला आदि कल से लुंगी गैंग के कब्जे में है मुझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं आज मैं कैसी दिख रही हूँ रोज जैसी लगती हो मतलब अच्छी लग रही हो रोज अच्छी लगती हो तो अच्छी लग रही हो नहीं वैसे नहीं आज मैं ना थोड़ा अलग दिख रही हूँ पूछिए क्यों मैं पूछने का मूड नहीं है क्या हुआ ऐसे अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो चंपू को बताता हूँ आदि के बारे में चंपू मेरे अंदर का ज्वार भाटा उफान मार रहा है किस बात के लिए वो ऐसे नहीं बता सकता क्या हुआ खिड़की क्यों बंद गुले जी दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो क्या हुआ ताकि हमें कोई देख ना ले मतलब पास बताना गुले जी पास बताना मेरे पास तो आना पड़ेगा वरना वो बात होगी नहीं गुले जी अरे बस चंपू क्या कर रही हो तुम मुझे गलत समझ रही हो अरे तुम जरा फिल्में कम देखा करो जरा से खिड़की दरवाजे क्या बंद कर दिया गलत सोचना शुरू कर दिया मैं तुम्हें आदि के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आदि के बारे में क्या अरे वो आदि हेलो इंस्पेक्टर मैं तेरे को फाइल अभी बोला आदि के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताने का बोल के तो फिर भी बताती अभी मैं लुंगी उठाती आदि को टिकाने लगाती नहीं नहीं देखिए आप लुंगी या आदि किसी को मत उठाइए मैं आपसे वादा करता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा आपकी लुंगी की कसम पर अगर मैंने झूठ कहा तो आपकी लुंगी में मूंगी घुस जाए इंस्पेक्टर एक बात कान खोल कर सुन ले अगर अभी आदि के बारे में कुछ भी बोला मैं आदि को जिंदा नहीं छोड़ेगा हेलो हेलो मैं तो खिड़की दरवाजे भी बंद कर दी फिर भी इसे पता कैसे चला कि मैं क्या हुआ इतने परेशान क्यों हो नहीं नहीं
अरे चंपू तुम भी कमाल कर रही हो, मैं परेशान क्यों हूँ? मैं परेशान होता नहीं हूँ, मैं तो लोगों को परेशान करता हूँ। पता है। अच्छा वो कोड़े सिंह जी के बारे में क्या कह रहे थे आप? आदि के बारे में तुम कुछ अपने झुमके के बारे में। मैं ये कह रहा था कि आदि को झुमके पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी भी मर्द को झुमके पहनना पसंद नहीं है गुल्ले जी। मुझे है? मैं पहनता हूँ झुमके। तुम एक काम करो ना, ये जो झुमके तुम अपने लिए लाई हो ना, सेम झुमके मेरे लिए भी ले आओ। और मैं एक काम करता हूँ कि ये इन झुमकों से मैचिंग दुपट्टा में जाके अभी खरीद लेता हूँ, क्योंकि मुझे दुपट्टा पहनना भी पसंद है। मैं झुमके भी पहनता हूँ, दुपट्टा भी पहनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मैं जाके दुपट्टा खरीद के लाता हूँ। हाँ। ये ना परेशान होते नहीं है, करते हैं। सही बोला। अरे बाप रे, ऊपर वाले मेरे को बचा लो। राशि फल बोलता है मेरी मौत कभी भी आ सकती है। अरे बाप रे बाप, क्या होगा रे? लगता कोई आ रहा है। इससे पहले कि मौत अपने को मारे, अपनी मौत को मार डालो। जानू, मेरे को लगा चोर है कोई। माफी, माफी। यार क्या कर रही है? वो आपने मुझे राशि फल के बारे में बताया था ना? हाँ। तो मैंने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है आज। करवा चौथ तो बहुत दूर है, लेकिन आपकी मौत बहुत करीब है, इसलिए मैंने आज ही व्रत रखा है। जानू, आप प्यार करती हूँ उसे? ठीक है, तो फिर आज शाम को अबून आएगा और तेरा व्रत का ऐसी की तैसी कर डालूंगा। फिर क्या हुआ? मैं बताती हूँ फिर क्या हुआ। हेलो, सलाम करती है। उस दिन ये अपने ससुर के किडनैप होने की रिपोर्ट लिखाने आई थी, अब ये आटे की बोरी नाच नाच कर किसके रिपोर्ट लिखवा रही है? क्या हो रहा है? ये क्या है? इसके मोहल्ले में कोई इसको छेड़ता है। अच्छा, इसको गुंडा? हाँ, तो ये अबला बिचारी आने जाने में अबला नहीं, मतलब ये आती जाती रहती, तो उसको गाना वाना गा के डांस करके नाच के उसको छेड़ता है, तो इसलिए उसका नाट्य रूपांतर करके छानबीन कर रहा था। अच्छा, ये बात है। ये यार, तो फिर जिस दिन कोई उसको गोली मारने की कोशिश करे उसका भी नाट्य रूपांतर करोगे ना तुम? नहीं नहीं, ऐसा देखो मम्मी। अरे ऐसा नहीं तो कैसा? तुम बदल गए हो चाटर। हाँ, वो तो बदल गया। फिर क्या, तुम्हारी हिंदी साफ हो गई है लेकिन तुम्हारी नीयत गंदी और काली हो गई है। क्या खबरदार, खबरदार, अगर मेरे इनको एक लफ्ज भी कहा तो। क्या मेरे 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 इनको मतलब, मेरे इनको मतलब क्या? मेरे क्या बोली? मेरे तेरे बोलो अच्छे से कमिश्नर साहब को। हाँ, मेरे बहुत ही अच्छे कमिश्नर साहब को। ऐसा मत बोलिए आप। सुन रही हूँ। वो अपना फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभाते, इनके जैसे कमिश्नर तो पूरी दुनिया में नहीं है। अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं मैडम। ये वो छेड़छाड़ के नाट्य रूपांतर में मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि कमिश्नर साहब है। ये तो एकदम गुंडे की तरह, एकदम एक गुंडे की तरह मुझे यू लिपट गए। यू लिपट गए? कोई कमिश्नर ऐसे लिपटता है क्या? चली गई? नहीं, मैं यहाँ हूँ। चैटर, छानबीन हो गई? नहीं, कुछ थोड़ा बहुत बाकी है तो कर लो खत्म। नहीं, हो गया? नहीं नहीं, ऐसा तो वो हो गया है। हो गया ना? तो हका लो ना इसको। चकल क्या देख रहे हो? सर, तुम कल्टी गाओ। चलो कल्टी? नहीं, मेरा मतलब तुम निकल जाओ। उस मोहल्ले के गुंडे को मैं देख लूंगा। जी कमिश्नर साहब। ठीक है, प्लीज देख लीजिए। हाँ, और अब जा सकती है। जी मैडम, आप हटिए ना, जरा जरा हटिए। अरे यहाँ से क्या जा रहे हो? अरे
दरवाजे से जाओ, वहां से जाओ, यहाँ से, यहाँ से। मैं भूल ही गई, दरवाजा वहाँ है। ये का वेड़ी है कब आई? बिल्कुल वेड़ी। है कौन? वो मतलब गॉन केस। क्या क्या हरकतें करती आप देखे ना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। कैसे कैसे हैंडल करना पड़ता है ऐसे लोगों को। वैसे आप कैसे आगे, कोई काम पड़ गया था? हाँ, हमारे मोहल्ले में ना कोई तो है जो रोज ट्यूबलाइट फोड़ के भाग जाता है। आपके मोहल्ले में ट्यूबलाइट की क्या जरूरत है? क्यों, अरे आप खुद इतनी चमकती हैं तो पूरा मोहल्ला ऐसे रोशन हो जाना चाहिए। सच? तो एक काम करो ना। हाँ। हमारे मोहल्ले में छानबीन करने के लिए ट्यूबलाइट फोड़ने का नाट्य रूपांतर करो। मोहल्ले की पूरी 7 ट्यूबलाइट फोड़ देना, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा तो फिर तुम और मैं। तुम और भाई क्या? तुम और मैं चार्टर, तुम और मैं। हाँ? कैंडल लाइट डिनर करेंगे। सब 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 उल्टा हो जाएगा। उल्टा? डॉक्टर ने मुझे कहा डाइटिंग करो, तो मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। तुम्हें ना डाइट के डॉक्टर की नहीं, दूसरे डॉक्टर की जरूरत है। कॉलेज पासूरत प्रॉब्लम है या मेरे सा। मैं खामा खाम मौत से डर रहा हूँ यार। मौत तो कहीं से भी आ रही है, कभी खिड़की से, कभी दरवाजे से, कभी ये जन्नू, कभी ये कैंडल, ये गोगोल। मैं कैसे करूँ हैंडल? आ जाना वापिस। ए सुनो सुनो, ये इधर दो। ये मुझे घर ले जानी है। हाँ तो घर जाके सब्जी पकाओगी ना, थैली थोड़ी ना पकाओगी। थैली का कोई काम नहीं है, ऐसे चलता है, कोई नहीं पूछता है। लेके जाओ 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 जाओ। मैं ये आधी वाली बात अब और नहीं छिपा सकता। अब तो मेरे पेट में भी दर्द होने लगा है। क्या करूं, किसको बताऊं? मेरे साथ बाथरूम में चलो। बाथरूम में क्यों सर? अरे सब पता चल जाएगा, चलो ना बाथरूम में। कुंडी काय लगा दी सर? देख बयान, जो कुछ भी होगा ना, बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और ऐसा क्या होगा यहाँ पे? मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ। का? मैं ऐसा वैसा आदमी ना हूँ सर। अबे क्या कर रहा है, रुक। भरतपुर से इतनी दूर थे हम, ये सब देखने कैसे आए सर? छोड़ दो सर, हम मर जाएंगे, लेकिन देखेंगे नहीं सर। हम जान दो हमें सर, जान दो। हेलो ये नरासकला, वहीं तेरे को कितनी बार मना किया आदि के बारे में, कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं बताने का बोल के, पर तू फिर भी बताती। तो बताती मैं लुंगी उठाती और आदि को मर्डर करके उसको लिटाती। नहीं नहीं लुंगी जी मतलब कान जी, मतलब लुंगी कान जी, मैं आदि के बारे में कुछ नहीं बता रहा था। मैं तो वो कपड़े धोने के लिए दे रहा था, उनके दाग साफ कराने ना उसपे। वो कपड़े भी तू ही धोने का? कपड़े का खून का दाग धोने का तेरे को आदत डालने का, जो के लिए अभी तेरा कपड़ा पे भी खून का दाग लगने का। आप मुझे भी मारने वाले हो? अरे नहीं रे जाड़ मलाई का नारियल नहीं, तू कमिश्नर को मारने का। आदि को सही सलामत चाहती तो तू कमिश्नर को ऊपर पहुंचाती, वरना आदि को हम मौत की नींद सुनाती। हेलो भगवान, वाह। नहीं माना कि मुझे हंसी मजाक पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मेरी जिंदगी का एक चुटकुला बना दो। ये कहां फंसा दिया आपने मुझे भगवान? नहीं नहीं भगवान नहीं, आज मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता, सिवाय उस शैतान लुंगी कांत के। जब भी किसी को कुछ बोलने जाता हूं अचानक से उसका फोन आ जाता है। लेकिन भगवान आज मैं बोलूंगा और जरूर बोलूंगा, लेकिन मुंह से नहीं बोलूंगा भगवान, इशारे में बताता हूं।
ही का बवाल है, धतूरा खा के आए का? तो गलत बात है, भगवान को प्रसाद चढ़ाने आए के डराने हैं? सही हेलो लुंगी कांजी, अरे आपने अभी क्यों फोन किया? मैं तो अभी किसी को कुछ बता भी नहीं रहा था। पर तुम ये बंदर का जैसा घुलट क्यों मरते? तो दिल पे एक बोझ था, वो भगवान के सामने कूद कूद के हल्का कर रहा था, लेकिन मैंने भगवान को भी कुछ बताया नहीं। और तुम भगवान को बोलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भगवान के अलावा किसी और को बोलेगा तो प्रॉब्लम। फिर मैं तेरे को और वो आदि को दोनों को भगवान के पास भेज देगा। हेलो हेलो हेलो, आपने मुझे ऐसे क्यों फंसा दिया भगवान? एक तरफ आदि, दूसरी तरफ कमिश्नर सर, अब आप ही बताओ भगवान के मैं क्या करूं? बताओ, वरना यहाँ पे अपना सर पटक पटक के मैं अपनी जान दे दूंगा।